मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिसके तुम हकदार हो। छोटा भाई कुंवारा बैठा है और बड़ा भाई फिर से स्वागत मना रहा है। अब देखो क्या क्या करता हूँ। कुछ चुभा मुझे। ये कांच के टुकड़े बेड पे किसने डाले? हमें गहरी चोट आ सकती थी। मैं जानता हूँ ये घटिया हरकत किसने की है। अरे सुहागरात छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो भैया? कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही घटिया हरकत की है तूने। क्या हुआ? अब क्या किया इसने? माँ शादी नहीं होने की वजह से पागल हो गया ये। इसने हमारे बिस्तर पे कांच के टुकड़े रख दिए। अगर सही वक्त पे मैं और रागिनी नहीं उठते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये क्या बेहुदा हरकत है ललित? ये कोई बेहुदा हरकत नहीं है माँ, ये तो एक छोटा सा सरप्राइज है नई भाभी के आने की खुशी में। लगता है मेरा सरप्राइज किसी को पसंद नहीं आया। देख ललित, एक मिनट मम्मी जी। मम्मी जी, देवर जी का तो पूरा हक है ना अपनी भाभी के साथ मजाक करने का, हमें सरप्राइज देने का। रागिनी तुम जानती नहीं हो ये कमीना। जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ ना। अब भाभी इस घर में आ गई है तो देवर भाभी जी का मजाक तो चलता ही रहेगा, है ना देवर जी? आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें करीब से देख रही थी। क्या हुआ देवर जी, इतने चौंक क्यों गए? भाभी वो तुम्हारी, देवर जी के पास तो कभी भी आ सकती हो ना। जी नाश्ता गरम है तो ठंडा हो जाए उससे पहले नीचे आ जाइए, क्या ना गरम चीज खाने का मजा ही कुछ और होता है। जरूर इसे माया भैया ने भेजा होगा ताकि मैं इसकी बात में आ जाऊं और शादी की जिद छोड़ दूं। अगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इस घर में किसी को चैन से नहीं जीने दूंगा। ये तो रोज रोज लड़कियों की तस्वीरें दिखाना बंद कर ललित, नहीं हो सकती तेरी शादी। पापा के गुजरने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं मैं, और काम में मेरी मदद करने के बदले शादी की सनक सवार रहती है तेरे सिर पे।
अरे जाके पहले कोई काम धंधा ढूंढ, फिर सोचना शादी के बारे में। जो काम नहीं करते उनकी शादी नहीं होती क्या? पिछले एक साल से आप दोनों से शादी के लिए बोल रहा हूं मैं अपनी, लेकिन आप दोनों कान में तेल डालकर बैठे हो, खुद दो दो शादी करके बैठे हो। लेकिन मैं हर हाल में शादी करके रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, हम कराएंगे आपकी शादी, हम ढूंढेंगे ना आपके लिए एक सुंदर सी लड़की। रागिनी, इन सब चक्करों में मत पड़ो, जब ये शादी के लायक हो जाएगा ना तब सोचेंगे इसकी शादी के बारे में। देखो बहू, हम भी चाहते हैं कि ललित की शादी हो जाए, पर कम से कम वो अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाए। अगर लड़के वाले पूछेंगे कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, तो हम क्या जवाब देंगे? उसकी चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हम अपने देवर जी के लिए ऐसी लड़की ढूंढेंगे ना जो बिना नौकरी चाकरी के ना शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और रही बात नौकरी की, तो शादी के बाद हमारे देवर जी सारी जिम्मेदारी तो उठा ही लेंगे ना। धन्यवाद भाभी जी। क्या बात है भाभी, हर दिन एक नया झटका देती है। कभी कभी तो शक होता है कि आप इस घर की बहू नहीं कोई 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 अप्सरा। अप्सरा वो तो मैं हूं, अपने देवर जी की अप्सरा। वैसे आज घर पे कोई नहीं है, मोहित भी बाहर गए हैं, मम्मी जी सत्संग में गई है और राहुल स्कूल में है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने देवर जी के साथ रोमांटिक मूवी देखने जाए। क्या कहते हो देवर जी? आउच! क्या हुआ देवर जी, कोई गलती हो गई क्या हमसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं? खेल देवर जी, देवर जी एक हम ही तो है आपके अपने, जो आपके बारे में सोचते हैं। आपके लिए लड़की भी तो हम ही ढूंढ रहे हैं, और एक आप है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब भलाई का जमाना ही नहीं रहा। खैर ठीक है, तो फिर ठीक है, अगर आप हमारी शादी की जिम्मेदारी उठा सकती हैं तो फिर हम आपके साथ रोमांटिक पिक्चर क्या रोमांस करने के लिए भी जा सकते हैं। नॉटी बॉय, चले। क्या हुआ देवर जी, रोमांटिक मूवी देख के आप रोमांटिक भी हो गए? अब इतनी खूबसूरत भाभी साथ में है तो रोमांटिक होना तो बनता है ना। एक सेकंड ना। अरे बैग लेना तो भूल ही गई।